हेलो फ्रेंड्स, जयपुर होम में आपका स्वागत है। आज अपन लेके आए हैं विला का प्रोजेक्ट। अपन इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो ये आरआर नगर में लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट, पत्रकार कॉलोनी मानसरोवर एक्सटेंशन के अंदर। तो ये जो कॉलोनी है वो गेटेडेड कॉलोनी है। प्लस में यहाँ पे अपन आगे के फ्रंट व्यू में जो रोड चल रही है उसकी अपन बात करें तो ये 30 फीट रोड है, और साइड में लेफ्ट साइड में अपन बात करें तो 40 फीट की रोड है। और अपन यहाँ पे पूरी बसावट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स वगैरह, यहाँ पे विला वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे अभी फैमिलीज बहुत सी शिफ्टेड भी हैं यहाँ पे। और जो अपन एक बार विला का ओवरव्यू देख लेते हैं, ये अपना यहाँ पे 3 BHK विला होने वाला है। तो इसकी अपन साइज की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रंट है वो 18 फीट फ्रंट है एंड 45 फीट इसकी डेप्थ है। और जो ये 89 गज में ये विला बना हुआ है। पार्किंग एरिया की अपन बात करें तो 15x9 की ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे प्रॉपर एक कार यहाँ पे पार्क हो सकती है। राइट साइड में अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वाटर टैंक का ऑप्शन दिया गया है। ये 5000 लीटर का यहाँ पे वाटर टैंक का सफिशियंट वाटर टैंक है यहाँ पे। तो अभी अपन चलते हैं विला की तरफ में। ये अभी अपन विला में अंदर इंटर हो चुके हैं। तो ये विला का जो मेन पॉइंट है ये अपना होल हो गया है यहाँ पे। देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर यहाँ पे होल है। होल से कनेक्टेड अपन बात करें तो राइट साइड में अपन बात करें तो किचन होने वाली है। लेफ्ट साइड में अपन बात करें तो यहाँ पे रूम होने वाला है। पहले अपन चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि ये जो किचन है वो मेन पार्ट होता है लेडीज के लिए। यहाँ पे जो है अपना घर का जो मेन है वो खाना यहीं से बनता है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे प्रॉपर किचन। यहाँ पे लोअर कैबिनेट और अपर कैबिनेट दोनों यहाँ पे कैबिनेट यहाँ पे बनाई गई हैं। और ये जो सेमी मॉड्यूलर किचन अपन को यहाँ पे सेमी फर्निश्ड विला के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा गया है फ्रिज के लिए। यहाँ पे एक स्पेस है प्रॉपर, यहाँ पे आप अपना जो फ्रिज है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे दो लेडीज हैं, प्रॉपर यहाँ पे खाना बना सकते हैं। वेंटिलेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो, यहाँ पे दो विंडो दी गई है। प्रॉपर यहाँ पे वेंटिलेशन है। और फ्रंट साइड में जो रोड है उसी साइड में यहाँ पे वेंटिलेशन है। ऊपर बात करें तो फैन वगैरह यहाँ पे सारी चीजें लगाई गई है। तो अभी अपन आगे चलते हैं फर्स्ट रूम की तरफ। तो ये अपना फर्स्ट रूम हो गया। इस रूम के अपन साइज की यहाँ पे बात करें तो ये रूम की जो साइज है 13x12 की रूम की साइज है। ऊपर अपन बात करें तो फोर सीलिंग प्लस स्कोप लाइट यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लगाई गई है। और जैसा मैं लेफ्ट साइड में बात करूं तो यहाँ पे एसी का पॉइंट दिया गया है। जो एसी का पॉइंट है वो हॉल के अंदर और सारे रूम के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। राइट साइड में एक बार अपन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर यहाँ पे आपकी वार्डरोब यहाँ पे फुल्ली स्पेसेस है। यहाँ पे वार्डरोब दी गई है, ऊपर का भी स्पेस है जहाँ पे भी छोटा वार्डरोब आपको बनाया दिया गया है। एक्स्ट्रा सामान जो है वो आप ऊपर रख सकते हैं। इसी से अपन कनेक्टेड बात करें तो यहाँ पे हो गया अपना अटैच लेट बात। ये जो लेट बात है ये यूज किया गया है अटैच प्लस कॉमन के अंदर। फुल्ली स्पेसेस लेट बात है। और अभी अपन आगे चलते हैं इसी रूम से कनेक्टेड अपन बालकनी के अंदर। तो ये अपन को यहाँ पे एक बालकनी दी गई है छोटी सी, जहाँ पे अपन वॉशिंग मशीन या कुछ अपना एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे किचन प्लस आपका एक रूम प्लस आपका यहाँ पे बात करें तो एक लेट बात हो गया है। तो अभी अपन चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे अपने होने वाले हैं दो रूम। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर जो है विला के अंदर की साइड से ही यहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई हैं। तो अभी अपन आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये अपना यहाँ पे छोटा सा यह हॉल हो गया है। यहाँ पे अपन एल से भी यहाँ सोफा लगा सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे। और अभी अपन चलते हैं फर्स्ट रूम की तरफ। ये अपना यहाँ पे रूम है। रूम के अपन की साइज की बात करें 14x10 की ये रूम की साइज है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे रूम की साइज बनाई गई है। और यहाँ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी वार्डरोब यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगाई गई है। और ये स्पेस जो है आपको टीवी कैबिनेट यहाँ पे बनाया गया है बहुत ही प्रॉपर। ऊपर अपन बात करें तो फोर सीलिंग प्लस स्कोप लाइट यहाँ पे लगाई गई है। तो अभी अपन आगे चलते हैं इसके जो कनेक्टेड अटैच लेट बात है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं सारी एसेसरीज यहाँ पे जो लगाई गई है वो सारी यहाँ पे ब्रांडेड है। और ये स्पेसेस यहाँ पे लेट बात यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसी से कनेक्टेड अपन बात करें तो बालकनी, तो ये अपनी फुल्ली स्पेसेस यहाँ पे बालकनी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी यहाँ पे साइज की यहाँ पे बालकनी दी गई है। यहाँ पे भी टैप का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे अपन वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 30 फीट फ्रंट रोड है उधर ही अपनी बालकनी है। तो फ्रेंड्स, अपन ने बालकनी वगैरह यहाँ पे देख लिया। आप और भी देखें तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे वॉलपेपर लगाया गया है, 3D यहाँ पे वॉलपेपर है। अपन इस विला की
प्राइस की अपन बात करें तो इस विला की जो सेमी फर्निश्ड में जो प्राइस यहाँ पे है वो 73 लेक है। 3 BHK 89 गज में बना हुआ ये विला आपको 73 लेक में यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि आप फुल्ली फर्निश्ड इस विला को लेते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो 75 लेक हो जाती है। तो अपन वापस जो फर्स्ट फ्लोर उस पर सेकंड रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ यहाँ पे जो रूम की साइज है 13x12 रूम की यहाँ पे साइज है। और यहाँ पे देखिए अटैच यहाँ पे लेट बाथ दिया गया है इस रूम से भी, यहाँ पे प्रॉपर ये जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी साइज में लेट बाथ यहाँ पे दिया गया है। जो भी सारी एक्सेसरीज हैं वो सारी यहाँ पे ब्रांडेड लगाई गई हैं। तो इसी रूम से कनेक्टेड जैसे नीचे यहाँ पे बालकनी दी गई थी, सेम पैटर्न यहाँ पे ऊपर यूज किया गया है। यहाँ पे भी प्रॉपर यहाँ पे आपको बालकनी यहाँ पे दी गई है। तो लेफ्ट साइड में अपन बात करें तो यहाँ पे 40 फीट की रोड है जो आपको मैंने पहले व्यू में दिखाया था, एक बार आप दोबारा व्यू यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे अपन चलते हैं मेन हॉल की तरफ। तो अपन अभी हॉल के अंदर आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बनाई गई है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मोबाइल नंबर जो है डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट हो कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए जाएंगे। थैंक यू।